हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, आई होप्स आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, ये वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और थोड़ा टाइम के बाद लेके आई हूँ। सो गाइस, मेरे एग्जाम चल रहे थे, उसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मेरे एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ। सो गाइस, मेरे एग्जाम है वो कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं और एडिट करके आपके लिए अपलोड करूं। सो गाइज, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अच्छे से डेली वीडियोस अपलोड करूंगी और काफी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारा कुछ अच्छे से बताया है और बहुत ही बारीकी से सब कुछ मैंने समझाया है। सो गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज बिल्कुल ना देखें, पर नेगेटिव कमेंट ना करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अपने हेयर को अच्छे से वॉश किया है, जो कि मैं हफ्ते में दो बार करती हूँ। सो गाइस, लंबे समय से मेरे हेयर वॉश नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे पूरा टाइम चाहिए अपने हेयर को वॉश करने के लिए। मैं जल्दबाजी में बिल्कुल भी अपने हेयर को वॉश नहीं करती हूँ, पूरा टाइम निकालती हूँ और अच्छे से अपने हेयर को वॉश करती हूँ। सो गाइस, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास अच्छे से टाइम हो तभी आप अपने हेयर को वॉश करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। सो गाइज, अगर आप जल्दबाजी में अपने हेयर को वॉश करेंगे और जल्दी जल्दी में अपने हेयर को कॉम करेंगे तो आपके हेयर बहुत ज्यादा टूटने लगेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप करके देख सकते हैं। सो गाइज, मैंने आज मेरे पास पूरा अच्छे से टाइम था, मैंने अपने हेयर को वॉश किया है और वॉश करने के बाद किस तरह से कॉम करना चाहिए अपने हेयर को और जो सीरम मैं अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पर किस तरीके से अपने हेयर पर अप्लाई करना चाहिए, मैं सारा कुछ इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा वॉश करिएगा गाइज। तो मैंने फर्स्ट चीज मैं आपको ये बताऊंगी, आप जब भी अपने हेयर को वॉश करते हैं तो ऐसे ही गीले हेयर को कभी कॉम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने हेयर को आप एक टॉवल लें जिसमें अपने हेयर को कुछ देर के लिए उसमें लपेट के रखें हेयर को। थोड़ी देर बाद जब हेयर का जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है, टॉवल में आ जाता है, उसके बाद अपने हेयर को ओपन कर लें तो क्या होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे टॉवल में आ जाता है, हमारे हेयर हैं जो हल्के से ड्राई हो जाते हैं। यही जो टाइम होता है जब हम अपने हेयर में सीरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हल्के ड्राई हेयर में ही हमें अपने हेयर में सीरम अप्लाई करना चाहिए। ज़्यादा गीले बालों में हमें हेयर सीरम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, या फिर ज़्यादा ड्राई हेयर हो हमारे उसमें भी अपने हेयर में हमें सीरम अप्लाई नहीं करना है। सो गाइस, अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे हेयर है बहुत ही ज़्यादा रूखे से, वे जान से लग रहे हैं, तो मैं अभी जो हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ तो उससे आपको मैं दिखाऊंगी कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। सो गाइस, अगर आपको जो भी हेयर सीरम अप्लाई करते हैं वो सूट करता है वो अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जो सूट करता है मैं अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। आप कोई भी ब्रांड का हेयर सीरम ले सकते हैं, मैंने लिया है लेवॉन का हेयर सीरम और ये अभी जो मैं अपने हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ ये है स्टिक्स का। दोनों ही हेयर सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं दोनों को ही आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी हेयर सीरम आप ले सकते हैं जो आपको सूट करे। सो गाइज, सेक्शन वाइज मैं अपने हेयर में सीरम अप्लाई कर लूँगी। अपने स्कैल्प पे बिल्कुल भी आपको हेयर सीरम नहीं अप्लाई करना है, ओनली हेयर लेंथ में आपको सीरम अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप अपनी लेंथ के बजाय अपने स्कैल्प पे भी अपना हेयर सीरम अप्लाई करोगे तो वो आपके जड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारे बीमार होते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है और हमारे हेयर बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको खाने में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पूरा सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से भी हमारे हेयर पर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है।
गाइज, मैं अभी अपने हेयर पर अच्छे से हेयर सीरम अप्लाई कर लूंगी और आपको भी इसी तरीके से करना है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे हेयर है और अच्छे से थोड़ा ड्राई होने लगे हैं। सो गाइज, मैं अभी गीले हेयर को बिल्कुल भी कॉम नहीं करूंगी। अभी मैं हाफ क्लेचर लगा के अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ दूंगी ड्राई होने के लिए। ना कोई मैं हेयर ड्रायर अपने हेयर पर अप्लाई करूंगी, कोई भी चीज़ मशीन, कोई भी मैं ऐसी स्ट्रेटनर मशीन या हेयर ड्रायर बिल्कुल भी अपने हेयर पर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है, अपनी हेयर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सो गाइज, अभी मेरे हेयर हैं वो ड्राई हो चुके हैं और मैं कॉम करने वाली हूँ अपने हेयर को। सो गाइज, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा इस वीडियो में बताया है। सो अभी मैं अपने हेयर पे कॉम करने वाली हूँ। इसमें ये जो मैंने कॉम करने के लिए कंघा लिया है, इसमें थोड़ा गैप वाला कंघा लिया है जिसमें ज़्यादा गैप है, तो इससे क्या होता है आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथली अच्छे से कॉम हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है और इसकी इससे काफ़ी अच्छे से आपके हेयर हैं वो सुलझ जाते हैं। तो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप बिल्कुल भी एक भी स्किप मत करिएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है, तभी आप अपने हेयर को अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। सो देखिए, फिंगर से पहले मैं अपने हेयर को बिल्कुल अलग कर लूँगी और उसके बाद मैं कॉम कर रही हूँ। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने बिल्कुल भी फास्टिंग मोड पे अपना वीडियो नहीं डाला है, बहुत ही ज़्यादा मैंने नॉर्मल वीडियो अपलोड किया है। सो गाइज, आप देख पा रहे हैं मैं जैसे जैसे अपने हेयर को कॉम कर रही हूँ और जो मेरे हल्के से जो नॉर्मल रह गए थे बाल गीले, वो पूरा अच्छे से ड्राई हो रहे हैं, साथ के साथ कॉम कर रही हूँ। सो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं दूसरे अपने पार्ट को भी कॉम कर लूँगी।
हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से बालों में चिपचिपाहट सी पैदा होती है, उसकी वजह से हमारे हेयर हैं वो डैमेज होने लगते हैं और बहुत ज्यादा टूटने लगती है। सो गाइस बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीजन में सबके ही बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, पर नए हेयर हैं जो बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं। सो गाइस बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, क्योंकि इस सीजन में जो है नॉर्मली सबके बाल गिरते हैं। सो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ये वाला कॉम अपने हेयर पे अप्लाई किया था, अब मैं दूसरा वाला कॉम अपने हेयर पे यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं जो मैंने बताया था ना, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी यह सीरम का। तो आप देख रहे हैं मेरे हेयर है जो कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने हेयर पे इसी तरीके का शाइन, तो आप मेरे जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इसमें वो अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको भी मैंने जो बताया वो अच्छा लगा। सो देखिए मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से कॉप कर लिया है। अब मैं जो नॉर्मल अपना हेयर वन बनाती हूँ आफ्टर कॉम, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली, बहुत ज़्यादा सिंपल सा हेयर वन बनाती हूँ डेली यूज़ में। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ करना पड़े, नॉर्मल सा हेयर वन बनाऊँगी। आप देखना और आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। होप आप सब लोगों को ये वाला वन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।